Hello students, welcome to our channel Creative Classes by Mr. Balan Sharma. आज हम आपको Converse और Pythagoras Theorem प्रूफ कराने जा रहे हैं, जो कि CBSE 10th क्लास में CBSE 10th क्लास में प्रूफ के रूप में बोर्ड एग्जाम में आ सकती है. Converse और Pythagoras Theorem में जो हमें गिवन होता है वह है कि हमारे पास एक ट्रायंगल एबीसी है, उसमें एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल गिवन होता है. एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर. टू प्रूफ इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना होता है कि जो साइड एसी है, इसका जो अपोजिट एंगल है एंगल बी, जिसको हम एंगल ए बी सी भी कह सकते हैं, इसको हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है. एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. इसको प्रूफ करते समय कंस्ट्रक्शन किया जाता है, और सभी जानते हैं कंस्ट्रक्शन ऑलवेज डॉटेड लाइन के द्वारा होता है. इसके कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं बीसी के परपेंडिकुलर, जो कि लेंथ में एडी के इक्वल होता है. वी ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू बीसी सच दैट बीडी इक्वल्स टू एबी. B join CD proof. इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल DBC लेते हैं. इन ट्रायंगल DBC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री. यदि किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की जाती है. 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनस कहते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, डीसी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीडी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर. बट लेकिन बीडी इक्वल्स टू एबी बाय कंस्ट्रक्शन. तो हम इसमें बीडी के स्थान पर एबी पुट करने जा रहे हैं. डीसी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर. इक्वेशन सेकंड. By the equation first and second, आप देख सकते हैं दोनों की दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है, इसी वजह से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगी. By the equation first and equation second, we get AC square equals to DC square. Square से square cancel. This implies AC equals to DC. हमने अभी प्रूफ किया AC equals to DC. अब हम ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DBC के ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल DBC के कोंग्रुएंट दिखाएंगे. कैसे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC, AB equals to BD, AB equals to BD by
कंस्ट्रक्शन बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन एंड एसी इक्वल टू डीसी प्रूव्ड अबव. दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गई तो इसका मतलब ये हुआ दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट हो गए बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया. अब हम सीपीसीटी अप्लाई करेंगे. दोनों ट्रायंगल में बी पर बनने वाला एंगल इक्वल हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ एंगल एबीसी इक्वल्स टू एंगल डीबीसी और एंगल डीबीसी है हमारा 90 डिग्री. तो इसका मीन्स ये हुआ एंगल एबीसी हो गया 90 डिग्री और यही हमें प्रूफ करना था. हैंस प्रूफ. इस तरीके से हमारी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाती है क्योंकि इस थ्योरम में हमें गिवन है एसी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और हमें जो प्रूफ करना था वह करना था एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री जो कि हो गया.